हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि समाकलन चैप्टर में स्पेशल डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलन। तो ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको निश्चित समाकलन के एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से आप लोगों को डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे, और आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में ज़रूर आएगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि इंटीग्रेशन में हम लोग को दो तरह के इंटीग्रेशन पढ़ने थे, एक तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक दूसरा जो है वह डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप लोगों ने 7.1 से लेकर, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, तो 7.1 से लेकर 7.7 तक जो था वो आप लोगों का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब अनिश्चित समाकलन था, और आप लोगों को 7.8 से लेकर 7.11 तक जो आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा वह होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग पहले बेसिक से फंडा समझते हैं, एकदम बेसिक से, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल जो है आप लोगों से इसमें, अगर आप इससे डिफिनिट इंटीग्रेशन को आसानी से समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव सवाल ही आप लोगों का दो तीन गो पकड़ा जाएगा, ठीक है। और इसमें आप सब्जेक्टिव सवाल भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि आप कैसे जानिएगा कि वह डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो उसका पहले आप रूप देख लीजिए। तो रूप में आप लोगों को खासकर ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि इंटीग्रेशन को हम आई मानते हैं, और ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है और एफ एक्स डी एक्स है। तो डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता था कि सिर्फ ये यहाँ जो ए और बी लगा हुआ है ना, उसमें ए और बी लगा हुआ नहीं रहता था, बस इसमें आपको एक्स्ट्रा एगो ए और बी जो है लगा हुआ रहेगा। इसको हम लिमिट बोलते हैं। तो लिमिट इसको कैसे पढ़ते हैं, ए से बी, क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स। जहां पर आपको बता दें कि ये बी क्या है, तो बी को बोलते हैं अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा, जो ऊपर है उसको उच्च सीमा और जो नीचे है उसको लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, ठीक है। ये बात तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग को इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है, तो सबसे पहले हम इसको बनाते कैसे हैं इसके बारे में पहले समझते हैं। तो देखिए, पहले तो आप जान लीजिए कि पहले a से b एफ एक्स डी एक्स है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बात आप लोगों को समझना है कि जो भी यहाँ पर फंक्शन रहेगा उसको आपको इंटीग्रेशन कर देना है। क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो एफ एक्स का मान लीजिए कि इंटीग्रेशन करने के बाद कैपिटल एफ एक्स है, ये स्मॉल एफ एक्स है, और इस स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिला, कैपिटल एफ एक्स मिला, और ये जो लिमिट आपको दिखाई दे रहा है ना, ए से बी आप जस के तस लिख दीजिएगा। और इसमें आपको करना क्या है कि एक्स के जगह पर आप को सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट रखना है मतलब अपर लिमिट रखना है, यहां पर x के जगह तो एफ बी हो गया, और बीच में आपको हर हाल में माइनस का साइन देना है, और उसके बाद फिर आपको नीचे वाला लिमिट यानी कि लोअर लिमिट यहां पर x के जगह रख देना है। तो लिखे देखिए, एक द अपर लिमिट रखे तो एफ बी, x के जगह एफ बी, माइनस का चिन्ह आप हमेशा दीजिएगा, और उसके बाद फिर क्या लिखना है, एफ ए मतलब लोअर लिमिट। तो ये जो वैल्यू आएगा ना, वही आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोग को एक निश्चित वैल्यू आएगा, इसमें आप लोगों को सबका आंसर एक ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। लेकिन अनिश्चित समाकलन में आप लोग समझते थे कि सबका आंसर डिफरेंट आता था, इसलिए उसमें बहुत सारा आंसर आता था, इसलिए उसमें हम सी जोड़ते थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर इसमें सी नहीं जोड़े, इसमें हम अगर सी क्यों नहीं जोड़ते हैं, तो सबसे पहले आप जान लीजिए, मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद वो कैपिटल एफ एक्स लिखता है और प्लस में उस सी जोड़ देता है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद ये लिमिट तो है ही इसमें, तो सबसे पहले आपको क्या बताया कि अपर लिमिट रखना है मतलब ऊपर वाला लिमिट रखना है। तो ऊपर में जो भी लिमिट आपको बी दिखाई दे रहा है, एक्स के जगह बी लिखिए और प्लस ई वाला तो रहे, फिर बीच में किसका साइन देना है, माइनस का, और उसके बाद आपको लोअर लिमिट रखना है ए। तो देखिए एक्स के जगह फिर ए रखेंगे और ये बेचारा सी रहेगा। अब इसको आप ब्रैकेट तोड़िएगा तो चिन्ह बदल जाएगा ना इसका, तो ये माइनस एफ है और ये प्लस माइनस सी है, ये माइनस सी हो जाएगा। सोचिए सी से सी तो कट जाएगा, तो कटने के बाद सिर्फ क्या बचा, एफ बी माइनस एफ है। तो क्या इसमें सी कहीं पर बचता है, तो सी तो नहीं ना बचता है, इसीलिए हम क्या करते हैं इस तरह के इंटीग्रेशन में मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन में, निश्चित समाकलन में हम सी नहीं जोड़ते। अगर जोड़िएगा भी ना तो वह सी से सी तो कट जाएगा, तो उतना जोड़ने से आप समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए आप उसको बचाने के लिए आप सी नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है।
तो ये बात मेरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसमें सी जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब इस बात को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छा से उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं। आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को 7.1 में एक फॉर्मूला बताया गया था कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x के पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 और प्लस में c जोड़ते थे जहां पर n का मान माइनस 1 नहीं होता है। ये तो आप लोग को याद होना चाहिए, पहले आप लोग को 7.1। और याद रखिएगा कि इस डिफिनिट इंटीग्रेशन को आप तभी समझ पाएंगे जब आप लोगों को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आता हो, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि ये सवाल जो है ना a से b एक्स स्क्वायर या a से b x टू द पावर 5 हो सकता है, x टू द पावर 6 हो सकता है, इस तरह के सवाल जो है हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको बता दे कि यहां जो भी फंक्शन दिखाई देगा ना उसको आप पहले इंटीग्रेशन कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इंटीग्रेशन कीजिएगा। तो आप याद कीजिए, आपको बताया गया था कि x के पावर 2 है, यानी कि पावर में क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं। तो पहले इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो क्या लिखेंगे, x के पावर 2 प्लस 1 बाई में 2 प्लस 1, और ये जो आपका लिमिट दिखाई दे रहा है कितना से कितना, a से b। और बताइए क्या इसमें हम c जोड़े कि नहीं, तो c जोड़िए चाहे ना जोड़िए, बात एक के हैं, इसलिए आप इसको c जोड़बे नहीं कीजिए, ठीक। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको c जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू और बाई में तो 3 आएगा और ये लिमिट आपका a से b रहेगा। तो आप क्या कीजिए, एक बार आपको क्या बताए थे, पहले ऊपर वाला लिमिट रखना है ना, पहले कौन सा ऊपर वाला, तो ऊपर में तो b है, तो x के जगह लिखिए b, तो b के पावर 3 और बट्टा में 3 माइनस, फिर आप कौन सा रखिएगा नीचे वाला, बीच में आपको माइनस ही साइन देना है, यहाँ पर रखिए a क्यू और बट्टा में 3 ये, और अगर आप चाहें तो इसको आप भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो लघुत्तम 3, तो कितना आएगा बी क्यू माइनस ए क्यू और बट्टा में 3, और यही आपका आंसर होगा। बस आपको ऑप्शन में इसी को उलट पुलट कर देले रहेगा और आप बस आपको सही आंसर टिक करना है। तो इसी तरह की एक सवाल तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस बात को हम एक और उदाहरण के माध्यम से अच्छा से समझते हैं कि मान लीजिए ए से बी और एक्स के पावर 5 dx रहता, तो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो हम आप लोग को 15 सेकेंड का समय देते हैं, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर ये समझ गए हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर आप लोगों को बताना था कि x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन a से b में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें x के पावर 5 का क्या होता है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 6/6 और लिमिट a से b, ठीक है। फिर से समझिए, जैसे 2 था तो 2 एक जोड़े तो 3 आया ना, हम डायरेक्ट ये वाला लिख दे 3/3, तो उसी तरह से आप समझ गए होंगे कि 5 है तो 5 है तो एक जोड़ेंगे तो 6/6 और a से b रहेगा। तो आपको करना क्या, पहले ऊपर वाला रखना है तो b के पावर 6 और बट्टा में 6 रहेगा, माइनस का साइन देना है बीच में, और फिर आपको a लिमिट रखना है, तो a के पावर 6/6, आप चाहते हैं इसको भिन्न का घटाव बना सकते हैं, लघुत्तम 6, तो b के पावर 6 माइनस a के पावर 6 और 6/6, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में ज़रूर आया होगा। अब इसी तरह के कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल में कोई दिक्कत ना हो। हम आप लोग उसके एक सवाल बनाकर बताएंगे और एक सवाल आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए तो कि क्या होगा, 0 से 1 x dx, इसका आंसर अगर आप लोग बना पाते हैं तो जल्दी से आंसर कमेंट करिए कि 0 से 1 x dx क्या होगा। यह जो हमारा वीडियो है यह प्रैक्टिस के लिए है, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझिए कि आप लोगों का डिफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो हम आपको बता दें कि x का पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको याद होना चाहिए x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2, और लिमिट कितना से कितना, 0 से 1। तो सबसे पहले हम क्या कौन सा लिमिट रखते हैं, ऊपर वाला तो 1 के स्क्वायर/2 वाला, बीच में माइनस का साइन, फिर क्या रखेंगे 0, तो रखिए तो 0 के स्क्वायर/2। अब आप बताइए 1/2 तो ही रहेगा और 0/2 तो 0 ही ना हो जाएगा, यानी कि आंसर आया आपका 1/2। क्या आप लोग को समझ में आया मेरा बात, अगर आप लोग को समझ में आया है तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए तो कि 1 से 2 x² dx का आंसर क्या होगा। इसके लिए हम आपको 15 सेकेंड का समय देते हैं। आप लोगों को आंसर बताना है x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 से 2 अगर लिमिट लगा हुआ है।
चलिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे बउआ सा, तब पावर में 2 है तो 1 जोड़ेंगे तो 3 और बटा में भी 3 और ये लिमिट आपका 1 से 2 रहेगा। तो बताइए आपको पहले कौन सा लिमिट रखना है, ऊपर वाला तो रखिए तो 2 के पावर क्यू बटा 3, बीच में आपको माइनस का ही साइन देना है, फिर आपको नीचा वाला रखना है तो 1 के पावर क्यू बटा 3। इसमें जहाँ जहाँ इसमें x है ना वहाँ पर एक बार पहले 2 रखना है, माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा, फिर आपको नीचे वाला रखना है 1। अब बताइए कितना आएगा, 3 के लघुत्तम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, तो 2 का क्यू कितना होता है 8 और 1 का क्यू तो 1 के होता है, 8 में से 1 गया 7/3 और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल का आंसर कमेंट करिए, ये रहा आप लोगों के सामने 0 से 1 e^x dx। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 10 सेकेंड का समय दिया जाता है। जो लोग इसको जानते हैं आप लोग आंसर कमेंट करिएगा ज़रूर, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और सीखने को भी मिलेगा। चलिए हम आपको बताते हैं, अब 0 से 1 e^x dx है ना, तो सबसे पहले तो आपको e^x का याद होना चाहिए, तो e^x का इंटीग्रेशन आपको बता दें e^x से होता है, ठीक ना बुआ सा। e^x का क्या होता है, e^x से होता है, इसमें c क्यों नहीं जोड़ते हैं, आप लोग को शुरू में बता दिए हैं कि c जोड़ रही है चाहे ना जोड़िए बात एक के रहता है। और ये आप लिमिट देख लीजिए 0 से 1, तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला लिमिट रख देना है x के जगह, तो रखिए x के जगह 1, फिर आपको माइनस का साइन देना है और नीचे वाला लिमिट रखिएगा तो e^0। अब आप बताइए e^1 तो ये रहेगा, और e^0 आप लोगों को याद है क्या, x के पावर कोई भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसको हम प्रूफ करके भी एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है। तो e^0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा और यही आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग का सही आंसर आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, ये रहा आप लोग के सामने 0 से π/2 cos x dx। इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए, इसके लिए भी हम आपको 15 सेकंड का समय देते हैं। 0 से π/2 cos x dx का आंसर क्या होगा। ये जो हमारा वीडियो है ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के लिए है, ताकि अगर आप इस वीडियो को पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं देखकर, तो समझिए आप आसानी से ऑब्जेक्टिव सवाल बना सकते हैं। इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है जल्दी से बताइए। इसमें हम आपको काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, बस आप लोग कॉपी कलम साथ में रखिए और बनाते रहिए और आंसर जल्दी से कमेंट करते रहिए। चलिए तो हम आपको अब बताते हैं, 0 से π/2 cos x है, जो लोग बना रहे हैं कमेंट करिए जो आंसर बना लेंगे। 0 से π/2, पहले तो आपको कॉस का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, तो कॉस का इंटीग्रेशन आपको बता दें कि क्या होता है, साइन एक्स होता है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। और 0 से ये π/2 तो आपका लिमिट रहेगा, आपको करना क्या, एक बार ऊपर वाला लिमिट रखना है तो साइन π/2, बीच में आपको माइनस का साइन देना और फिर नीचे वाला लिमिट रखना है, नीचे मतलब लोअर लिमिट, तो 0। अब आप बताइए, याद कीजिए साइन π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 का मान बउआ सा होता है 1, और साइन 0 का मान तो आपको याद होगा 0 होता है। फिर से देख लीजिए, साइन π/2 मतलब साइन 90 हुआ और साइन 0 0, तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 0 0, तो कितना आंसर आया 1, ये रहा आप लोगों का आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिए। ये रहा आप लोगों के सामने कि 0 से π/2 sin x dx रहता तो इसका आंसर क्या आता, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का समय दिया जाता है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करिए कि क्या होगा, फिर हम आपको बताएंगे भी। पहले आप लोग बताइए कि 0 से π/2 sin x अगर dx रहता तो इसका आंसर क्या होता। जो बना लिए कमेंट करिए, और जो नहीं बना पा रहे हम आपको बताते हैं। 0 से π/2 sin x है, तो पहले तो आपको याद होना चाहिए बउआ सा कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए -cos x होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, और ये 0 से π/2 तो रहेगा। पहले आपको एक बार अपर लिमिट रखना है, तो ये माइनस को ना आप बाहर कर लीजिए, इस माइनस को बाहर कर लीजिए, तो रखिए यहाँ cos π/2, बीच में आप माइनस का साइन दीजिएगा और एक बार 0 रखिएगा तो cos 0, इस तरह से। अब आप बताइए कि माइनस तो बाहर है, cos π/2 मतलब समझते हैं क्या, cos 90 का मान 0 होता है, याद है क्या, cos 90 का मान कितना होता है, 0, और cos 0 का मान 1 होता है। अगर इसको आप फिर माइनस से माइनस गुना कीजिएगा तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ये रहा आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट सवाल, चलिए इसका आंसर दीजिए, 2 से 3 1/x dx क्या होगा, 2 से 3 1/x dx क्या होगा।
और एक ऐसा हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा देकर, ताकि आप ऑप्शन जल्दी से कमेंट कर सकें। इसको हम आपको अभी सब्जेक्टिव सवाल के रूप में बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें एक टाइप का, पहले तो आपको 1/x का याद होना चाहिए। तो 1/x का आपको याद दिला दें कि log mod x होता है, तो इसके चलते आप लिखिएगा log mod x, और लिमिट आपका कितना से कितना है, 2 से 3। तो आपको सबसे पहले कितना रखना है, ऊपर वाला लिमिट रखना है x के जगह, तो log 3, माइनस का साइन देना है, और फिर आपको 2 रखना है, तो log 3, log 2। अब आपको ये वो फार्मूला याद है क्या, log m माइनस log n, इसके लिए क्या लिखते हैं, log m बटा n, और यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, एक बार फिर से याद कर लीजिए फार्मूला कि log m माइनस log n आखिर किसका फार्मूला होता था, तो log m बटा n का, याद आया, तो ये फार्मूला है, तो इसीलिए हम इसके चलते लिख दिए हैं log m बाई n। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए तो कि क्या होगा, कि 1 से 2 1/x dx का मान क्या होगा। इसके लिए हम आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं। 1/x का तो आप लोग को याद हो गया होगा कि log mod x होगा, ठीक है, और लिमिट कितना से कितना रहेगा, 1 से 2। तो रखिए, एक बार 2 रखेंगे ऊपर वाला तो log 2, फिर नीचे वाला log 1। आप चाहे तो आपको याद है क्या, log m बाई n फिर लगा सकते हैं, तो log 2/1। आप चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं log 2, और ये आप आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए, नेक्स्ट सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 10 कि 0 से 1 1/1 प्लस x² dx, इसका आंसर क्या होगा। बस आपको याद होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कि 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसलिए हम आपको बोले थे कि आप लोग पहले एक बार फार्मूला को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऐसे हमने आपको एक फार्मूला वाला वीडियो भी बनाया है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, उससे आप लोग को काफ़ी फार्मूला याद हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, तो आपको हम एक बता देते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेंगे तो उसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो 1/1 प्लस x² ना, ये tan इनवर्स x होता है इसका इंटीग्रेशन। तो पहले तो आप tan इनवर्स x लिख दीजिए और 0 से 1 लिखिएगा, और आपको करना क्या, इसका तो इंटीग्रेशन कर दिए, लिमिट तो आपका जे रहेगा वही रखना है। अब आपको ऊपर वाला लिमिट रखना है x के जगह, यानी कि अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस का साइन दीजिएगा, और फिर आपको नीचे वाला लिमिट रखना है, तो टैन इनवर्स 0। याद करके बताइए, तो टैन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 45 को बोल हम पाई बाई 4 लिखते हैं, ठीक है, और टैन कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 डिग्री का ही मान होता है, पाई बाई 4 में से 0 घटाएंगे भी तो पाई बाई 4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इस नेक्स्ट सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। 1 से अगर √3 और 1/1 प्लस x² dx है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए हम आपको 15 सेकेंड का समय देते हैं। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं कि 1/1 प्लस x² का पहले तो आप लिख लीजिएगा tan इनवर्स x, और लिमिट आपका कितना से कितना बुआ सा रहेगा, 1 से √3। तो आपको करना क्या है, इस x के जगह पहले √3 लिखना है, तो tan इनवर्स √3, माइनस का साइन देना है, और उसके बाद फिर क्या लिखना है, 1। ठीक है, अब आप याद कीजिए tan कितना डिग्री का मान 1 √3 होता है, तो आपको याद दिला दे 60 डिग्री का होता है, 60 को लिखते हैं पाई बाई 3। ठीक है, और tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45, और 45 को लिखते हैं पाई बाई 4। आप चाहे तो इसको भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो 3 × 4 = 12, तो 3 × 4 = 12, तो 4π - 3π। ठीक है, भिन्न का घटाव आप लोग समझ रहे होंगे, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12। अब 4 गो में से 3 गो घटाइएगा तो कितना आंसर आया, 1 गो, यानी पाई बटे 12 आप लोगों का आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो पाई बटे 12 आप लोगों का आंसर सही है, समझ में भी आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल का आंसर आप लोग दीजिए। ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर सेकेंड नंबर सवाल, इस सवाल का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, कि आप लोगों को बताना है कि इस 12 नंबर का आंसर क्या होगा। उसी तरह का है जैसे हमने अभी आपको जस्ट बताया था, जैसे 11 नंबर बताया उसी तरह का है, देख पा रहे होंगे आप लोग। चलिए, इस पहले 12 नंबर का आंसर दीजिए, उसके बाद आपको फिर से 13 नंबर का आंसर देना है।
तो देखिए यह भी आप लोग को उसी टाइप का है, जो लोग बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं, वो लोग बनाइए और कमेंट करिए, और जो लोग नहीं बना पाते उसको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको कितना होता है, टैन इनवर्स एक्स। देखिए बहुत स्टूडेंट क्या है कि डी एक्स देख के हद हो जाता है, तो डी एक्स को यहाँ लिख दीजिए और यहाँ कुछ नहीं तो वन, तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स ही होगा ना, और बस आप लिमिट लगाते रहिए वन बाई रूट थ्री से रूट थ्री। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर वाला लिमिट रखना है, तो रखिए टैन इनवर्स रूट तीन, माइनस का साइन दीजिएगा और टैन इनवर्स वन बाई रूट तीन। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें समय कम देते हैं इसलिए क्योंकि यह वीडियो है, और अगर आप इतना जल्दी में बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बताइए टैन कितना डिग्री का मान, रूट तीन होता है, तो टैन 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 को हम लिखते हैं पाई बाई थ्री। ठीक, और ये टैन इनवर्स वन बाई रूट थ्री कितना डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री का, और 30 को लिखते हैं पाई बाई सिक्स। आप चाहे तो इसको भी इनका घटाव बना सकते हैं, लघुत्तम 6 तो 3 दूना 6 तो 2 पाई माइनस पाई, दो गो पाई में से एक गो पाई घटाएंगे तो पाई बाई सिक्स, यानी कि 30 डिग्री आप लोगों का आंसर होगा, यानी कि पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों का सही आंसर आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर आप इस प्रश्न को समझ गए हैं तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं, क्योंकि आप इस प्रश्न को पहले से भी देख रहे थे, इसका आंसर आप लोग बना भी लिए होंगे जल्दी से, कि 0 से 1 डी एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। और ये सब जो सवाल हम आप लोगों से पूछ रहे हैं ये सब परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, तो हम आप लोगों को 10 सेकेंड के बाद बताएंगे। आपको बता दें सबसे पहले आप क्या कीजिए, चलिए आप लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए ये अगर हम इसको एक लाइन बढ़ा लेते हैं समझ में आ जाएगा आप लोगों को, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स को हम साइड कर लिए। ठीक है, अब आप याद कीजिए वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आखिर ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो साइन इनवर्स एक्स का, तो बस साइन इनवर्स एक्स का ये इंटीग्रेशन इसका हो गया। और लिमिट आप रखिए 0 से 1। ठीक है, और पहले आप एक रख दीजिए तो साइन इनवर्स 1, माइनस का साइन दीजिएगा और फिर लिखिएगा साइन इनवर्स 0। याद कीजिए साइन कितना डिग्री का मान, 1 होता है, तो 90 डिग्री का, और 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं, और साइन कितना डिग्री का मान, 0, तो 0 का, तो 0 लिखिए, पाई बाई 2 में से 0 घटाइएगा भी तो पाई बाई 2 ही रहेगा, और यही आपका आंसर आना चाहिए था और आप लोगों का आया भी होगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करिए, ये रहा आप लोग के सामने स्क्रीन पर, दो गो सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आप लोग के सामने, इस सवाल का आप लोग आंसर दीजिए कि क्या होगा। 4 से 9 है, रूट एक्स डी एक्स का आंसर क्या होगा, उसके बाद अगर आप इस प्रश्न को बना लीजिएगा तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय देते हैं, 4 से लेकर 9 रूट एक्स डी एक्स क्या होगा। चलिए तो हम आपको बताते हैं और जो लोग समझ गए हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखिए पहले तो आपको रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं बल्कि इंटीग्रेशन करना है, इसीलिए आप 1/2 रूट एक्स जल्दी में मत लिख दीजिएगा। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स लिखकर गड़बड़ा लेता है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, 4 से 9 रहने दीजिए और इसको रूट हटा लीजिएगा तो 1/2 पावर चढ़ेगा। ठीक है, और 1/2 इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1/2 में आपको 1 जोड़ना है और उतना ही से आपको भाग देना होगा और ये लिमिट आपका 4 से 9 रहेगा। तो आपको करना क्या, इसको अगर आप जोड़िएगा ना तो आएगा 3/2 और बटा में भी 3/2 और लिमिट आपका 4 से 9 रहेगा। ठीक है, अब हम आपको बता दें एक बार आपको 9 रखना है और एक बार 4 रखना है, तो 3/2 को पलटी मार लीजिए तो इसको आप 2/3 को बाहर कर लीजिएगा और एक बार कितना रखना है, पहले 9 तो लिखिएगा 9 के पावर 3/2 माइनस का साइन दीजिएगा और फिर आप लिखिएगा 4 तो 4 के पावर 3/2 और ये। ठीक है, अब आपको लिखना है 2/3 जस के तस, सोचिए 9 के पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं कैसे, तो आप लिख दीजिएगा 3 के स्क्वायर और पावर में 3/2। उसी तरह से 4 को आप लिख दीजिएगा 2 का स्क्वायर और उस पर में पावर में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो सोचिए 2/3 तो बेचारा बाहर है, 3 के 3 दा लिखिएगा तो कितना आएगा, 27
और दो के तीन दा लिखेगा, दो दुना चार दुना आठ, ये आठ आया। अब आप बताइए दो बट्टा तीन तो रहेगा, सत्ताईस में से अगर आपको आठ को घटाइएगा तो नौ आठ सत्रह उन्नीस, और उन्नीस में दो से गुना कीजिएगा कितना आएगा, अड़तीस बट्टा तीन, और यही आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोगों को ये सवाल का आंसर दीजिए, इसके लिए भी हम आपको 15 सेकंड का समय देते हैं कि 0 से पाई बाई 6 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि क्या होगा, इसके लिए आपको अब 10 सेकंड का अभी से समय मिलता है। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स का बहुआ से इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है टैन एक्स होता है, और लिमिट तो आपका जीरो से पाई बाई सिक्स रहेगा ही रहेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ऊपर वाला लिमिट लगाना है, तो टैन पाई बाई सिक्स माइनस टैन जीरो। याद कीजिए टैन पाई बाई सिक्स का मतलब होता है टैन 30 डिग्री, और टैन 30 का मान होता है एक बटा रूट तीन, और टैन जीरो तो जीरोवे होता है, यानी कि आपका आंसर आया 1/√3, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और आप लोगों ने आंसर भी सही कमेंट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की 0 से π/3 टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, और एक और सवाल इधर है π/6 से π/4 और कॉसेक एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम आपको करते क्या है कि इसका आंसर अभी हम आपको बताते हैं और आप लोगों को इसका आंसर खुद से कमेंट करके बताना है। तो देखिए हम आपको पहले बता दें कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कॉसेक एक्स का हमने आपको बताया था लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। फॉर्मूला को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। तो बस आपको करना क्या, एक बार अपर लिमिट रखिए और एक बार लोअर लिमिट रखिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पहले पाई बाई फोर रखा, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग मोड कॉसेक पाई बाई फोर माइनस कॉट पाई बाई फोर, फिर माइनस का साइन देंगे, आपको बताया था बीच में माइनस, फिर लॉग मोड कॉसेक पाई बाई सिक्स माइनस कॉट पाई बाई सिक्स। अब आप बताइए कॉसेक पाई बाई फोर का मतलब आप लोग समझते हैं क्या, कॉसेक 45 होगा, और कॉसेक 45 का मान अगर आपको न याद है तो आप याद कीजिए कॉसेक का उल्टा साइन 45, तो साइन 45 का आपको याद होगा 1/√2 होता है, तो 1/√2 को उलट दीजिए तो √2 लिख दिए, और कॉट पाई बाई फोर मतलब कॉट 45, और कॉट 45 तो आपको याद होगा 1 होता है। उसी तरह से कॉसेक पाई बाई सिक्स, कॉसेक पाई बाई सिक्स मतलब हो गया कॉस 30, कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक अगर 30 ना पता है तो साइन 30 पता कीजिए, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 को उलटिएगा तो 2 आएगा, और कॉट ये हो गया 60, पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का मान आप बताइए, कॉट 30 ना याद है तो टैन 30 याद कीजिए, तो टैन 30 का क्या होता है 1/√3, उलटिएगा तो √3। ठीक है, तो बस आपको मान ये तो याद होना चाहिए, आप क्लास 10th में भी पढ़े थे। तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है लॉग एम, ये इसको मान लीजिए एम और इसको मान लीजिए एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लिख दीजिए लॉग एम बटा एन। ठीक है, तो यही आप लोगों का आंसर आया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप हमको बताइए कि 0 से π/3 टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके लिए हम आपको 15 सेकेंड का समय देते हैं। बस आपको बताना है पहले एक तो याद होना चाहिए कि टैन का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अगर आप लोग को जिसको याद है वो तो बड़ा जल्दी बना लेगा। तो देखिए टैन एक्स का इंटीग्रेशन दो गो होता है, एक होता है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स और एक होता है लॉग मोड सेक एक्स, तो हम सेक वाला ही यूज़ करते हैं, तो लॉग मोड सेक एक्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पाई बाई थ्री रह गया। अब आप याद कीजिए कि पहले आपको ऊपर वाला लिमिट रखना है एक्स के जगह, तो लिखिए लॉग मोड सेक पाई बाई थ्री
और फिर आपको क्या लिखना है, माइनस लॉग मोड सेक और नीचा वाला लिमिट यानी कि जीरो। ठीक है, अब आप याद कीजिए लॉग मोड सेक ये कितना हो गया 60 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री। तो सेक 60 का मान आपको याद है तो बताइए, नहीं तो कॉस 60 का मान याद कीजिए। तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 को उल्टेंगे तो 2। ठीक है, और ये कॉसेक सेक जीरो, सेक जीरो ना याद है तो कॉस जीरो याद कीजिए। तो कॉस जीरो तो 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1 होगा यानी कि इसका मान 1 आएगा। ठीक है, अब आप चाहे तो लॉग एम माइनस लॉग एन पर तोड़ सकते हैं इसको, तो 2/1 यानी कि आपका आंसर आएगा लॉग 2, और यही आप लोगों का आंसर आए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग का सही आंसर आया होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे। तो चलिए कुछ और उदाहरण के माध्यम से और प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट सवाल, इस सवाल का आंसर दीजिए कि 1/4 dx बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, इस सवाल का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कि क्या होगा। इसके लिए भी हम आपको 15 सेकंड का समय देते हैं कि 1/4 dx बटा रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले तो आपको देखिए, जो लोगों को याद होगा ना वो डायरेक्ट बना सकते हैं 1/√x, जैसे dx को साइड कर देंगे तो 1/√x आएगा। और आप लोगों को याद होगा 1/√x का क्या होता है 2√x, और लिमिट 1/4 रहेगा। तो पहले आप क्या कीजिएगा, 4 रखिएगा तो 2√4 माइनस, फिर लिखिएगा क्या 1, तो 2√1। और बताइए 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो कितना आएगा 2 × 4 और माइनस 2 यानी कि आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमने ये रहा 0 से π/4 √1 cos 2x dx, और एक और इधर 20 नंबर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को 0 से π/4 √1 cos 2x। ये दोनों सवाल को आपको बनाना है, उससे पहले हम एक सवाल को आपको बनाते हैं और एक सवाल का आंसर आप लोगों को खुद से कमेंट करना है। तो देखिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको यूज करना होगा कि 1 cos 2θ का क्या होता है। तो हम आपको याद दिला दें 1 cos 2θ का क्या होता था 2 cos²θ, और उसी तरह से 1 cos 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin²θ। ठीक है, बस आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखिए 1 cos 2θ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है, और 1 cos 2θ वाला ये वाला आपको इसमें लगाना है। तो हम आपको एगो बताते हैं, एगो का आंसर आप लोग खुद से कमेंट करिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो 1 cos 2x का लिख देंगे 2 cos²x, ये वाला फॉर्मूला। तो 2 cos²x लिखे लेकिन रूट में है, तो 2 का वर्गमूल तो बहुत ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए रूटे में 2 लिख देंगे, और cos² इसका मतलब एगो cos तो बाहर निकल जाएगा। तो अब आप बताइए कि √2 कॉन्स्टेंट तो बाहर हो गया, क्या आपको याद है cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, और लिमिट तो आपका 0 से π/4 रहेगा ही रहेगा। अब आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप ऊपर वाला लिमिट रखिएगा, तो sin π/4 माइनस का साइन दीजिएगा, फिर आप क्या लिखिएगा 0, तो sin 0। अब आप याद कीजिए कि sin π/4 मतलब क्या होता है, sin 45। sin 45 का मान कितना होता है, वो ऐसा 1/√2, और sin 0 का मान तो 0 होता है। तो इधर जो √2 √2 तो बाहर था ही, अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1, और यही आपका सही आंसर है। अगर आप लोगों को ये मेरा बात समझ में आ गया है तो इस सवाल के लिए हम आपको देते हैं 15 सेकेंड, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ये आप लोगों के पास फॉर्मूला भी है कि 1 cos 2θ इसमें आपको रखना है, देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसको बनाकर। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए, इसके लिए हम आपको अभी से 10 सेकेंड समय देते हैं। बस आपको फॉर्मूला लगाना है, जल्दी से लगाइएगा जितना जल्दी आप लोग कैलकुलेट कर सके। कॉपी कलम आप लोग पास में ज़रूर रखिएगा, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने में सुविधा होगा और आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छा से आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, और जो लोग बना लिए हैं आंसर कमेंट कर सकते हैं, और जो लोग देखना चाहते हैं देखिए आराम से कि 0 से पहले तो आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, 0 से ये π/4 छोड़ दीजिए, और 1 cos 2θ का बहुत क्या होता है 2 sin²θ, थीटा का मान 1 है तो 1 लिखिएगा। ये 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो 2 के चलते √2 को बाहर कर लेते हैं एक के बार में, और 0 से π/4 ये तो रहेगा। और बताइए sin²x है तो ये को साइन निकलेगा ना, तो ये को साइन निकाल दीजिए। ठीक है, अब आप बताइए ये √2 तो बेचारा रह जाएगा,
साइन का इंटीग्रेशन आप लोग को याद है क्या? तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस एक्स, और लिमिट आपका जीरो से पाई बाई फोर तो रहेगा ही रहेगा। अब आप क्या कीजिए, एक बार पाई बाई फोर रखिए और एक बार जीरो, तो इस माइनस को ना आप बाहर कर लीजिए, तो माइनस दो बाहर हो जाएगा इस तरह से, और कॉस एक्स बचेगा तो एक दर लिखिए कॉस पाई बाई फोर माइनस कॉस जीरो, ठीक है। अब आप हमको बताइए ये माइनस रूट दू तो रहेगा, अब कॉस पाई बाई फोर मतलब कॉस 45, और कॉस 45 का मान आप लोग को याद है क्या, 1/√2 ही होता है, और कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आया, एक बार पाई बाई फोर रखें और एक बार जीरो रखें, और ये वाला माइनस को हम पहले बाहर कर लिए हैं, ठीक है। अब आप इसको गुना करके देख लीजिए, तो इससे गुना कीजिएगा तो रूट दू से रूट दू कर जाएगा, तो यानी माइनस एक, और इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और रूट दू में एक से तो रूट दू, यानी आपका आंसर है रूट दू माइनस 1, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं। सामने नेक्स्ट सवाल, 0 से 1 x + 2 dx, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 0 से 1 इसका आंसर आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रश्न को बताते हैं और दूसरा प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि x का इंटीग्रेशन करना होगा और प्लस है तो 2 का भी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए कि पावर में एक है, कुछ नहीं तो एक है ना, तो एक है तो बताइए, एक का इंटीग्रेशन मतलब x के पावर एक है तो एक जोड़ेंगे तो 2 x² / 2, और 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x होता है, जैसे 2 बाहर हो जाएगा, x एक बचेगा, और एक का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, और लिमिट तो आपका 0 से 1 रहेगा। तो आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ इसमें x दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर पहले आपको एक रखना है और माइनस के बाद फिर आपको जीरो रखना है। तो देखिए वही चीज़ हम रखते हैं, पहले इस x के जगह एक रखेंगे तो 1 का² / 2 + 2 × x² मतलब ये जहाँ जहाँ एक से पहले एक रखेंगे, माइनस के बाद फिर क्या रखेंगे, जीरो, तो यहाँ पर फिर जीरो, 0 के² / 2, फिर 2 × 0, ठीक है। अब आप बताइए कि 1 के² तो 1 के होगा तो 1/2, 2 में 1 से 2, और 0 की 0 आ जाएगा, यह भी 0 आ जाएगा, तो बस आपको इसका भिन्न का जोड़ बना लेना है, बताइए क्या होगा, 2 × 4 और 1, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5/2, तो ये आप लोगों का आंसर हुआ। तो इस सवाल का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए तो कि 1 से 2 x + 5 dx का आंसर क्या होगा। इसके लिए हम आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं, 15 सेकंड का समय देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ सकता है। दस सेकंड के बाद हम इसका आंसर आप लोगों को बताएंगे, आप लोग जल्दी से बताइए, कैलकुलेट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, और आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हम आप बाद में आपको देखकर बताएंगे भी, कि अगर आप लोग को ज़्यादा समय चाहिए तो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि x का पहले इंटीग्रेशन क्या होगा बउआ सा, तो 1 से² / 2, और 5 का क्या होगा तो 5x, और ये आप लोग का लिमिट तो बेचारा 1 से 2 रहेगा ही रहेगा। अब आप क्या कीजिएगा, पहले 2 रखिएगा तो 2 के² / 2 + 5, एक्स के जगह फिर 2 रखिएगा, माइनस का साइन दीजिएगा और एक्स के जगह 1 रखिएगा इस पर, तो 1 के² / 2 + 5 × 1, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 2 के² 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 ये रहेगा, 5 × 2 = 10, माइनस 1/2 प्लस में 5 में 1 से 5 रहेगा, 10 × 2 को जोड़ेंगे तब 12, इसको आप भिन्न का जोड़ बना लीजिए, तो 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 11/2, समझ में आया कि नहीं, इसके बट्टा में कुछ ना तो 1 देखे, 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 11/2, फिर भिन्न का घटा बना लीजिए तो 12 × 2 = 24, तो 24 − 11/2, 24 में से 11 घटा लीजिए तो आपका कितना आएगा, 13/2, और यही आप लोगों का आंसर आया भी होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक दो और ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट सवाल, कि 0 से π/2 cos² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, और एक और इधर भी नेक्स्ट सवाल है 0 से π/2 sin² x dx का मान क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग जो लोग जानते हैं 0 से π/2 cos² x का, तो वो आंसर कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम एक प्रश्न का आंसर बताते हैं और दूसरा प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। तो देखिए हम आपको बता दें, इसमें आपको पहले फॉर्मूला लगाना होगा cos² θ का, तो आपको याद दिला दें कि cos² θ का फॉर्मूला होता है 1 + cos² θ और बट्टा में 2। यही चीज़ अगर sin² θ रहता बउआ सा, तो 1 sin² θ का होता है 1 − cos² θ और बाई में 2। तो आपको इसमें sin² θ का फॉर्मूला लगाना है, इसमें cos² θ का। तो हम आपको याद दिला दें कि cos² θ का क्या लिखे पहले डायरेक्ट, 1 + cos² x और बाई 2, एक्स थीटा के जगह x है, तो इस 2 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, क्या करेंगे बउआ सा, इस 2 को तो बाहर करेंगे तो 1/2 बाहर होगा ना, क्योंकि बट्टा में है, तो इधर क्या बचेगा, 1
प्लस कॉस टू एक्स और डी एक्स। ठीक, अब आप हमको बताइए कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 1 का तो x होता है, और cos 2x का इंटीग्रेशन आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे कि cos 2x का होता है sin 2x, और बटा में आपको 2 ही लटका देना है, x के जोड़े जो रहता है वो बटा में लटका देना है, और लिमिट तो आप देख पा रहे होंगे 0 से पाई बाई 2 बेचारा जस के तस। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको लिमिट का मान रखना है। तो x के मान कितना रखना है, पाई बाई 2। तो देखिए यहाँ पर भी पाई बाई 2 प्लस साइन 2 के 2 और x के जगह पाई बाई 2 और बट्टा में 2। पहले तो हम पाई बाई 2 रखे ये दोनों के जगह, फिर माइनस का साइन देने के बाद क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ पर 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 और बट्टा में 2। बात समझ में आ रहा है, और ये 1/2 बेचारा बाहर जस के तस है। बताइए ये पाई बाई 2 तो रहेगा, ये 2 से 2 आप इसको काट दीजिए तो बचेगा साइन पाई। क्या आपको याद है साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री होता है, और साइन 180 डिग्री का मान 0 और बटा में 2 तो रहेगा, ये 0 रहेगा, शायद 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 है। तो साइन 0 का मान याद होगा आप लोगों को, साइन 0 का मान कितना होता है 0, और 0 में 2 से भाग देंगे भी तो डायरेक्ट 0। अब आप बताइए ये सब बेचारा 0, यह भी 0 हो जाएगा, बस एक ही बच जाएगा पाई बाई 2। 1/2 में पाई बाई 2 से गुना कीजिएगा तो 2×2=4 यानी पाई बाई 4 आप लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पाई बाई 4। तो अगर आप ये मेरा प्रश्न समझ गए हैं तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए तो कि साइन स्क्वायर एक्स अगर रहता तो क्या होता है। इसके लिए हम आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता दें कि साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 − cos 2θ/2। बस आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसके लिए हम आपको 15 सेकंड का समय देते हैं, कुछ ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर आप लोगों को बताएंगे। देखिए जो लोग दिमाग लगाए होंगे इसका आंसर भी इसी तरह से आराम से बना लिए होंगे, और आंसर भी हमको लगता है कि सेम ही आएगा। चलिए तो हम आपको बताते हैं अब इसका आंसर, जो लोग साथ में भी बनाइए आप लोग कुछ समझबो करिए। तो साइन स्क्वायर एक्स का पहले तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा, 0 से बेचारा पाई बाई 2 को छोड़ दीजिए, 1 − cos 2x/2। ठीक है, और आप इस 2 को आप बाहर कर लीजिए तो 1/2 बाहर हो जाएगा 0 से। देखिए ये तो 0 से पाई बाई 2 आपका रहेगा, 1/2 को बाहर कर लिए तो आपका बचेगा 1 − cos 2x और dx। ठीक है, और ये 1/2 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos 2 का क्या होता है बुआ सर, साइन 2x, और बटा में 2 लटकेगा, और आपका 0 से ये पाई बाई 2 रहेगा। तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको रखना क्या है, पाई बाई 2 रखिए, तो पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 और बटा में 2 ये रहेगा, माइनस का चिन्ह दीजिए, और 0 रखेगा तो 0 रखेगा तो 0, यहाँ पर 0 रखेगा तो 2 में 0 से तो 0, तो पूरा साइन है 0, लिखते हैं डायरेक्ट 0 और बट्टा में 2। ठीक है, ये बात मेरा समझ गए होंगे, कि फिर से समझ लीजिए, पाई बाई 2 यहाँ रखें, यहाँ पर 2 इंटू पाई बाई 2 बाई में 2, फिर एक बार 0 रखें तो यहाँ पर 0, और यहाँ 0 रखेंगे तो 2 में 0 से तो 0, तो साइन 0 का मान डायरेक्ट लिख दिए 0। ठीक है, और देखिए ये 2 से 2 कटेगा, इसको आप बट्टा में 2 बाहर है, ठीक ना, पहले आप इसका मान लिखिएगा, तो ये 1/2 रहेगा बाहर, ये पाई बाई 2। बताइए तो साइन पाई को याद है क्या, साइन 180 डिग्री का मान अभी जस्ट आपको इधर भी बताए थे, साइन 180 का मान 0 और बट्टा में 2 रहेगा, इस हवा में छोड़ दीजिए इसको 0। ठीक है, अब आप बताइए इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा, पाई बाई 4, और यही आप लोगों का आंसर है, यानी कि पाई बाई 4। तो दोनों जो क्वेश्चन था ना सेम ही था, 0 से पाई बाई 2 और 0 से पाई बाई 2, बस यहाँ पर साइन स्क्वायर था कॉस स्क्वायर, दोनों का आंसर जो है वह सेम ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, अगर आप मेरा डिफिनिट इंटीग्रेशन ये वाला पूरा वीडियो देखे हैं तो इस सवाल का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हर साल इस तरह के एक सवाल तो आता ही आता है, क्या कि ए से बी रहेगा और यहाँ पर एक्स के पावर 4 या एक्स के पावर 3 या एक्स के पावर कभी 8 दे देगा, कभी 5 दे देगा, तो हमने आपको दिया है ए से बी एक्स टू द पावर 6 डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा, ए टू द पावर 7 माइनस बी टू द पावर 7/7, या बी टू द पावर 6 माइनस ए टू द पावर 6/6, या b के पावर 7 माइनस a के पावर 7/7, a के पावर 6 प्लस b के पावर 6/6। इसमें से आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है जब वीडियो आप लोगों का ख़त्म हो जाए तो। और आप लोग यह भी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, प्रैक्टिस आप लोग कर पाते हैं या नहीं, और अगर आप लोगों को कोई सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका फॉलो अगला नेक्स्ट वीडियो से किया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।